हेलो फ्रेंड्स आई एम सुनील सर एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक कहानी के थ्रू हालांकि ये कहानी नहीं है ये एक प्रोसेस है जो हम इनके लाइफ में देखते हैं टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं एक अलग से देखो सबको पता ये चीज कोई नया नहीं है लेकिन जिस पैटर्न में मैं आपको बताऊंगा ये शायद आपको याद रह जाए कि कैसे हनी भी अपने पूरे लाइफ प्रोसेस को साइकिल को कंप्लीट करती है और पूरे वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नीट से रिलेटेड भी पॉइंट बाय पॉइंट कवर करते जाऊंगा तो रिक्वेस्ट सिर्फ इतना ही होगा कि आप वीडियो को एंड तक देखें अगर आप स्किप कर करके देखना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल मत देखिएगा क्योंकि आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा अगर आप तीस सेकंड भी स्किप कर जाते हैं स्पीड बढ़ा के देख लें चलेगा वन पे देख लें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आपको एक्चुअल स्टोरी हनी समझनी है स्टार्ट से लेके एंड तक कैसे एक रानी हजारों राजा और लाखों वर्कर की मदद से वो रानी पूरे के पूरे हनी कॉम पे राज करती है ये वीडियो का यही मेन कॉन्सेप्ट है तो चलिए बिना समय गवाए सेशन को शुरू करते हैं हेलो फ्रेंड्स प्रेस दब्सक्राइब बटन एंड हिट दईकन फॉर मोर सच इजी वीडियो फ्रेंड्स जब भी आप हनी बी की स्टडी करते हो तो बेसिकली द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हनी बी उसे हम सब एपीकल्चर के नाम पे जानते हैं एपिस जो है एक ग्रीक भाषा है जिसका मतलब ही होता है हनी बी तो जब आप हनी बीज की रियरिंग करते हो या उसे ग्रो करते हो तो उसे हम कहते हैं एपीकल्चर एपीकल्चर के बेनिफिट्स क्या है तो बेसिकली हमें फ़ायदा ये है कि हमें उनसे हनी मिलता है बी वैक्स मिलता है बी वेनम मिलता है और ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं हम साइंस में यूज करते ही हैं अब इन सारी चीज़ों को साइड में रख के हम स्टार्ट करते हैं उस कोम से आप किसी भी हनी कोम के स्ट्रक्चर को आप उठा लीजिएगा आपको एक चीज कन्फर्म है कि उस पूरे हनी कोम में सिर्फ एक ही क्वीन मिलेगी ओनली वन क्वीन और उस क्वीन के साथ कुछ सौ दो सौ तीन सौ ड्रोन्स होंगे और हजारों की ताद में वर्कर्स होंगे सवाल उठता है इन तीनों में फर्क क्या देखिए जब आप स्ट्रक्चर वाइज इन्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगा जो हनी भी है फीमेल जो हनी भी है फीमेल क्वीन बेसिकली क्वीन साइज में बड़ी होती है और क्वीन जो है फर्टाइल फीमेल हनी भी है ना इसे फर्टाइल फीमेल इसका सिंपल सा मतलब है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकती है और जैसे ही मैं ड्रोन की बात करूंगा तो ड्रोन जो है वो एक हैप्लॉइड मेल है यस yes, मेल, मतलब क्या? बिना फर्टिलाइजेशन के वो बना है फीमेल क्वीन ने बेसिकली अंडे दिए और उस एग से हैच आउट हुआ ड्रोन अब ये जो ड्रोन बना विदाउट फर्टिलाइजेशन बना तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस सिंपल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यंग वोट दर्टिलाईजेशन ऑफ द्रोन जो है बेसिकली आप कह सकते हो एक ऐसा ऐसा मर्द जिसका कोई पिता नहीं सिर्फ माँ है और वो भी कौन क्वीन वर्कर्स की अगर आप बात करेंगे तो वर्कर्स बेसिकली स्टराइल है वह भी फीमेल है लेकिन स्टराइल स्टराइल का मतलब क्या यह रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते किसी भी हनीकोम में तीन चीजें जरूरी हैं क्वीन ड्रोन और वर्कर सबसे मजेदार बात यहां पर यह आती है कि अगर किसी भी कारण से क्वीन मर जाती है उस कोम्ब की तो सारे के सारे ड्रोन और वर्कर वहां से भाग जाते हैं क्योंकि कमांड देने वाली तो क्वीन थी जब रानी ही मर गई तो फिर उस पूरे प्रजा का कोई काम नहीं है लेकिन वर्कर और ड्रोन मरे तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है अब सवाल यह उठता है एक क्वीन इतने सारे ड्रोन इतने सारे मेल उस क्वीन से वो मीटिंग कैसे करेंगे क्या सारे एक साथ चले जाएंगे क्या सारे एक साथ मीटिंग करेंगे क्वीन क्वीन के साथ? बिल्कुल भी नहीं। कहीं कहीं ना ये तय करती है कि कौन सा ड्रोन उसके साथ मीटिंग करेगा कैसे अब इसको समझने की कोशिश करते हैं क्वीन जो है बेसिकली इनिशियली देखती है कि कितने ड्रोन उसमें से मैच्योर्ड इनफ हो गए हैं मीटिंग के लिए ठीक है और एक बार मीटिंग के लिए वो रेडी हो चुके हैं तो क्वीन क्या करती है वो जगह जगह एरियाज़ पे जाके बाउंड्रीज पे जाके अपना मार्क लगाती है मतलब बॉडी से कुछ केमिकल केमिकल्स करती है इसको फेरोमोन्स कहते हैं और ये फेरोमोन्स की मदद मतलब से वो हर जगह पे एक बाउंड्री मार्क लगा देती है और यहां पर कोम्ब में आने के बाद क्वीन सारे ड्रोन को कहती है फ्लाई ये सारे ड्रोन अब मिलके एक रेस उड़ेंगे और इन सब में से हर उस जगह पे घूमता हुआ ड्रोन को वापस आना है क्वीन के पास और जो ड्रोन क्वीन के पास सबसे पहले पहुंचेगा वही बनेगा भाग्यशाली विजेता जिसको मौका मिलेगा इस क्वीन के साथ मेट करने का अब ये सारे ड्रोन जो है चलो रेस लगाए कभी कभी लोग चीटिंग भी कर जाते हैं सोचता क्या सोचता है हनी भी कि अगर मैं एक दो स्टॉप पे ना उड़ के डायरेक्ट तीसरे पे चले जाऊं तो अब ये गद्दारी हो गई और गद्दारी की कोई माफी नहीं होती एनिमल वर्ल्ड में ये बात आप ध्यान में रखिएगा इंसान माफ कर देगा एनिमल्स माफ नहीं करते तो अगर किसी ड्रोन ने जंप करके एक दो स्पॉट को एलिमिनेट करके आगे बढ़ गया तो उसे बाकी सारे ड्रोन मिलकर मार देते हैं गद्दारी नहीं बिल्कुल भी नहीं और उसके बाद अगर मान लो ऐसा हो कि ड्रोन ऐसे ना जाकर के पीछे से आ गया पहले होता है ना जो ऐसे घूम के मेरे पास आएगा वो फर्स्ट तो यहां से सब ऐसे भाग रहे ये पीछे से आ गया बोल दिया मैं फर्स्ट तो क्वीन उसे मार देगी मतलब आप चीटिंग नहीं कर सकते अब ये हेप्लॉइड ड्रोन उड़ते हुए सारे मार्क को लेते हुए अपने बॉडी पे क्वीन के पास पहुंचते हैं अगर एक ही ड्रोन पहुंच गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है चीजें सिंपल है इजी है वो ड्रोन मेटिंग कर लेगा लेकिन अगर हम ये मान के चले चलो तीन ड्रोन एक साथ पहुंच जाए तो हो सकता है ना तीन ड्रोन एक साथ उड़ते हुए पहुंच जाए तो अगर तीन ड्रोन एक साथ पहुंचते हैं तब कहानी क्या होगी कहानी पूरी अलग हो जाती है अब इस सिचुएशन पे क्वीन तीनों ड्रोन के साथ पेटिंग नहीं करती क्वीन अब ऊपर उड़ती है ऊपर का मतलब वो जमीन से ऊपर उड़ना स्टार्ट कर अपने कोम से हाइट पे ऊपर उड़ती है और तीनों ड्रोन को बुलाती है आओ अब तीनों ड्रोन ऊपर उड़ते हैं हर ड्रोन का अपना एक पोटेंशियल एक लेवल एक कैपेसिटी है मान लो तीनों साथ में उड़ रहे हैं क्वीन और ऊपर जाएगी फिर दो ऊपर पहुंच गए हार गया क्वीन और ऊपर उड़ेगी तब तक ऊपर उड़ती है जब तक सिर्फ एक ड्रोन उस तक नहीं पहुंचता और फाइनली वो एक भाग्यशाली विजेता बनेगा राजा तो क्वीन क्या करती है उस ड्रोन को अपने साथ वो लेकर के जाती है अपने कोम में सबको पता हनी के अंदर हेक्सागोनल चेम्बर्स होते हैं पूरा बी वैक्स से बना हुआ कंपार्टमेंट्स है छोटे छोटे अब उसके अंदर वो ड्रोन को रखती है उसे खिलाती है पिलाती है तंदुरुस्त बनाएगी सेहतमंद बनाएगी ताकि वो मीटिंग के लिए तैयार हो सके क्योंकि इतना उड़ के आने के बाद तो ड्रोन थक चुका है ना डायरेक्ट मीटिंग कर नहीं सकता चलो ये भी बात मान गई फिर उसके बाद क्या होता है जब ड्रोन पूरी तरह से रेडी हो जाएगा मीटिंग के लिए तो क्वीन उस ड्रोन से मीटिंग करती है अब कहानी का ट्विस्ट इधर है कोई भी ड्रोन अपने पूरे लाइफ में सिर्फ एक ही बार स्पर्म बनाता है यह ट्विस्ट है अब क्वीन ने मेटिंग कर ली ड्रोन के साथ ड्रोन ने अपना सारा स्पर्म क्वीन को दे दिया क्वीन तो रख लेगी स्पर्म को बांध के अपने पास और अब ये ड्रोन तो खाली हो चुका ना अब इस ड्रोन की जरूरत क्या है सो so, क्वीन क्या करती है उस ड्रोन को अपने कोम से लात मार के बाहर निकाल देती है जाओ कोई जरूरत नहीं तेरे को निकल एंड द ड्रोन टू लीव दनी कॉम्ब और फाइनली वो ड्रोन जब हनी छोड़ के हट जाता है तो जाएगा कहाँ वैसे भी यूजलेस हो चुका है सो so, लॉजिकली वो क्या करता है उस हनी कॉम के आसपास उड़ता रहता है उड़ता रहता है इसलिए नहीं कि उसको एंट्री मिल जाए वो इसलिए उड़ता है क्योंकि वर्कर से वो खाना मांगता है बोलता है मुझे कुछ खाने को दे दे मुझे भूख लगी है एटलीस्ट खाने को तो दे दे कॉम से निकाल दिया तो पर क्वीन वार्निंग दे रखी रहती है कोई भी इस ड्रोन को कुछ नहीं देगा क्योंकि ये ड्रोन हमारे किसी काम का नहीं अब हुआ ये कि हफ्ते भर जो है ड्रोन उड़ता रहा उड़ता रहा फिर एक समय ऐसा आया जहाँ पे ड्रोन थक गया और थक के वो नीचे गिर के मर गया यही सारे वर्कर इस ड्रोन को उठा ले गए ऊपर अपने कोम में और इसको खा के इसकी पार्टिकल डाले सोचो ये वही ड्रोन था जो जीत कर जो है फर्स्ट आया था और जीत करके भी ये हार गया मतलब तो ये मर गया सो लॉजिकली जो जीत करके हार जाए उसको बाजीगर नहीं कहते तो ये बाजीगर था ही नहीं सवाल यह नहीं उठता कि इस ड्रोन का क्या हुआ यह तो खत्म है सवाल यह उठता है क्वीन अब क्या करेगी उस लिए हुए स्पर्म से तो इसका फैसला सिर्फ क्वीन करती है क्वीन जो है जो स्पर्म ली मान लो अगर उसके खनिकोम कोम में एग्स हैं लेकिन उसे ड्रोन की जरूरत है सिर्फ वर्कर्स बहुत सारे हैं उसके कोम में शी डोंट वांट एनी वर्कर तो क्या करती है क्वीन सिर्फ अंडे ही देती है उसके ऊपर स्पर्म्स वगैरह कुछ नहीं डालती और ये सारे एग हैच आउट होकर के क्या बन जाएंगे ड्रोन हैप्लॉइड मेल लेकिन किसी कारण से मान लो वर्कर्स कम हो चुके हैं कोम्ब के अंदर तो यही क्वीन क्या करती है मालूम है उन्हीं अंडों पे वो स्पर्म्स डाल देगी मतलब हैप्लॉइड एग थाई एक हैप्लॉइड स्पर्म भी चला गया तो हैप्लॉयड हेप्लॉयड मिलके डिप्लॉयड एग बनेंगे और ये बनेगा फीमेल अब सवाल ये नहीं उठता फीमेल फीमेल पे ही आप फोकस कीजिएगा क्वीन या वर्कर और बाद में तय होगा सो so, लॉजिकली ये फर्टिलाइज एग जो है फीमेल में कन्वर्ट होंगे सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट अब देखो होता है क्या कोई भी कॉम की आप क्वीन ले लो तो उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो चार से पांच साल का होता है कोई भी कॉम्ब की अगर आप वर्कर ले लेते हो तो उसका जो लाइफ स्पैन है चार से पांच हफ्ते का हो जाता है और जो ड्रोन है बेसिकली जो ड्रोन होते हैं वो चार से पांच महीने जिंदा रहते हैं तो उनका भी एक लाइफ स्पैन है हर एक का अपना लाइफ स्पैन है क्वीन का लाइफ स्पैन सबसे ज्यादा है। अब फर्टिलाइज्ड फर्टिलाइज जो है ये फीमेल बनेंगे लेकिन कौन सी फीमेल वर्कर फीमेल या क्वीन फीमेल इसका फैसला होना भी बाकी है इसका फैसला कैसे होगा इसका फैसला होगा जेली से जेली मतलब रॉयल जेली अब ध्यान से समझनेगा दो तरीके की जेली होती है एक है नॉर्मल जेली और एक है रॉयल जेली। जो नॉर्मल जेली है ना बच्चों ये हम उन फर्टिलाइज्ड एग्स पे वर्कर डालती हैं जेली वो नेक्टर के थ्रू कनेक्शन कलेक्ट जेली को वो नेक्टर जब कलेक्ट करती हैं, उसी वक्त भी वो कलेक्ट करती हैं कन्वर्ट करती हैं केमिकली और जो जेली बनाती हैं वो जेली बेसिकली नॉर्मल जेली फर्टिलाइज्ड एग के लिए है और जो रॉयल जेली है रॉयल जेली केमिकल डिफरेंस है बाकी कुछ नहीं जो रॉयल जेली है वो क्वीन के लिए रहता है ताकि क्वीन उसे खाके हमेशा यंग रहे जवान रहे खूबसूरत रहे और सारे ड्रोन उस पर फिदा रहे इसी के लिए तो रॉयल जेली खाती है लेकिन क्या होता है कभी कभार वर्कर्स गलती कर बैठते हैं अब गलती तो हो ही सकती है इंस्टेड ऑफ गिविंग नॉर्मल जेली वो क्या करते हैं रॉयल जेली को फर्टिलाइज अंडों पे डाल देते हैं अब एक गलती हो गई देना था नॉर्मल जेली दे दिया रॉयल जेली और वो नॉर्मल जेली किसको दे देगा फिर क्वीन को ले जाके और क्वीन जैसे ही उस नॉर्मल जेली को खा लेती है तो उसको गुस्सा आ जाता है अरे ये क्या दिया रे और क्वीन वर्कर को मारती भाग यहां से जा मेरे लिए रॉयल जेली लेके आ निकल गया पर वर्कर ने ये नहीं बताया क्वीन को कि मालकिन मैंने रॉयल जेली फर्टिलाइज फर्टिलाइजों पर डाल दिया डर है क्वीन मार ना दे अब इस कहानी में होता यह है कि जो रॉयल जेली वाले अंडे गिरे थे जिसके ऊपर बेसिकली रॉयल जेली पड़ा है उन सारे अंडों से फीमेल क्वीन आएंगी अगर वही नॉर्मल जेली के अंडे से फर्टिलाइज होकर जो आते वो स्टराइल वर्कर होते लेकिन सिर्फ रॉयल जेली पाने की वजह से वो सारे के सारे अंडे फीमेल क्वीन में कन्वर्ट हो गए अब मान लो एक अंडा हैच हुआ तो उसमें से एक क्वीन निकली तो क्वीन जब निकलती है ना क्या करती है टप 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 सारे अंडों को फोड़ने लगती है सिर्फ इसलिए फोड़ रही है क्योंकि उसे कॉम्पिटिशन नहीं चाहिए कोई नहीं चाहिए उसको बीच में मैं अकेली रानी रहनी चाहती हूं बात सही है लेकिन अगर दूसरी तरफ सिनारी हो जहां पर सारे अंडे एक साथ फूट जाए तो अगर सारे अंडे एक साथ फूट गया मतलब सारी क्वीन एक साथ हाइच आउट हो गई और अगर सारी क्वीन एक साथ निकली तो ये क्वीन आपस में लड़ाई करती हैं वॉर करती है एक दूसरे को मारती हैं खाती हैं मारती हैं खाती हैं मारती हैं खाती हैं ऐसे चलते रहता है जब तक कि एक लास्ट क्वीन ना बचे और जब ये लास्ट क्वीन बच जाती है तो ये क्वीन अब ये सोचती है कि इस पूरे कोम्ब पे कब्जा मेरा है क्योंकि मैं अकेली बची हूं इन सबको मार के लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं है क्योंकि ये क्वीन का एक्चुअल वॉर अभी बाकी है उस मेन क्वीन के साथ जरा सोच के देखना उस मेन क्वीन के साथ अब डिपेंड ये करता है कि वो जो मेन क्वीन है उसकी उम्र क्या है इसके ऊपर भी तो फैसला होता है ना अगर वो मेन क्वीन यंग है जस्ट अभी ताज़ा ताजा क्वीन बनी है तो लॉजिकली वो एनर्जेटिक है स्ट्रांग है इस क्वीन से लड़के उसको भगा देगी भाग यहां से और अगर वो क्वीन एजेड है मतलब मान लो अपने चौथे पांचवें साल की उम्र में वो चल रही है तो जाहिर सी बात है क्वीन ओल्ड है तो ये जो वर्कर है बेसिकली ये जो ये जो क्वीन बनी है नई वाली वो उस क्वीन को आराम से हरा देगी और उसको बुढ़ी क्वीन को मार के भगा देगी यहाँ पे जान से कोई नहीं मारता सिर्फ भगाता है तो होना यह है कि अगर ओल्ड क्वीन है तो यह गई और ये पूरे कोम की रानी बन गई मतलब बना बनाया सब मिल गया लेकिन हम दूसरा सिचुएशन मानते हैं जहां पे वो भी यंग है ये भी यंग है तो ये इसको मार के भगा देती है भाग यहां से कोम से बाहर निकाल दी उस नए आई हुई क्वीन को लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं होती है ये जो क्वीन है एक्चुअल क्वीन इस कोम्ब की ढूंढती है सर्च करती है उन वर्कर्स को कि किसने इसको रॉयल जेली दिया अब हुआ यह कि रॉयल जेली आ गई अब उसने उन सारे वर्कर्स को पकड़ लिया हाँ तूने दिया था तूने दिया तो उन वर्कर्स को भी ये कोम से बाहर निकाल देती है प्लीज गेट आउट नॉट रिक्वायर्ड तो होता यह है कि ये जो है भगा देते हैं अब ये क्वीन ने क्या किया एक क्वीन को बाहर फेंका उसके साथ कुछ वर्कर्स को उसने बाहर फेंक दिया चले जाओ यहां से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं तो ये वर्कर मिलकर अब क्या करेंगे उस क्वीन के साथ चले जाएंगे जा करके कहीं पर भी एक छोटा सा हनीकोम का स्ट्रक्चर बना देंगे और उसी हनीकोम के छोटे से स्ट्रक्चर में क्वीन क्या करती है अंडे दे देती है जिसमें से ड्रोन आ जाएंगे क्योंकि अनफर्टिलाइज एग है ड्रोन आ गए अब यही ड्रोन जब बड़े होंगे तो इनसे मेटिंग चालू होगा और जब मेटिंग होगा तब फिर से जो है स्पर्म्स आएंगे वर्कर पैदा होंगे इस तरह से एक नया हनीकॉम की कहानी स्टार्ट होती है तो इस तरीके से ये क्वीन का फैसला हो जाता है अब सवाल ये उठता है कि जो वर्कर्स हैं इनका क्या ये तो स्टराइल है कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते तो बात तय है लेकिन क्या आपको ये पता है कि वर्कर्स को कोम से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती चार से पांच हफ्ते की उनकी लाइफ स्पैन है फोर टू तो फाइव वीक्स ये बात तो तय है लेकिन स्टार्टिंग के डेज में वर्कर इज नॉट अलाउड टू द दौम्ब वो कहीं बाहर जा नहीं सकता ऐसे कोई छोटा बच्चा हो देखो जो चार पैरों पर पे थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट किया हो तो वो अगर घर से बाहर निकला तो कहां चला जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा इसलिए हम क्या करते हैं उस पर नजर रखते हैं उसको घर से बाहर जाने नहीं देते वही चीज यहां पर है नया नया वर्कर बनाए पैदा हुआ है इनमें स्टेजेस होते हैं एग होता है लार्वा होता है प्यूपा होता है अडल्ट होता है ये स्टेजेस है तो वर्कर जो है अलाउड नहीं है मतलब जिंदगी के मान लो उसके चार हफ्ते हैं तो तीन हफ्तों तक वो बाहर नहीं जा सकता चौथे हफ्ते में जब वर्कर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो क्वीन खुद उसे कहती है जा जी ले अपनी जिंदगी जितना जीना है वर्कर टेंशन में आ गया चार हफ्ते में तीन हफ्ते तो बीत गए एक हफ्ते में क्या जीऊ तो भी ये वर्कर कोम से बाहर निकलता है क्योंकि क्वीन की बात को कोई ना नहीं करता वर्कर बाहर निकलेगा जगह जगह पे घूमता है फ्लावर्स के पास नेक्टर्स वगैरह सक करता है और उसी प्रोसेस के दौरान पॉलीनेशन करता है हनी भी इज दी ओनली इंसेक्ट इंसेक्टाइक से जो सबसे ज्यादा पॉलीनेशन करता है मैक्सिमम पॉलीनेशन कोई करता है तो हनी भी करते हैं तो सारे नेक्टर्स को भी कलेक्ट कर रहा है और ये वर्कर जो है नेक्टर को कलेक्ट करने के बाद वापस अपने कोम में आ जाता है अब यहां पे ट्विस्ट समझना हनी बी ने नेक्टर सक किया सारा नेक्टर उसने माउथ पे रख लिया पाउच में माउथ में उसके सलाइवा है एक उसके अंदर एंजाइम होगा वो एंजाइम उस नेक्टर के साथ रिएक्ट करता है और नेक्टर के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो उसी नेक्टर को वो कन्वर्ट करता है हनी में मतलब ये वर्कर जब उड़ करके अपने कोम में आएगा तो उल्टी करता है और वो सारे नेक्टर को जब वो निकालता है तो सलाइवा की एंजाइम से रिएक्ट करके हनी बाहर निकलता है ये हनी का फॉर्मेशन हुआ और कभी कभी क्या होता है जैसे आप केमिस्ट्री वगैरह का प्रैक्टिकल करें पेप से आप कुछ केमिकल खींच रहे हो तो होता है क्या हम केमिकल गलती से पी भी लेते हैं तो वैसे इनके साथ भी हो सकता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो पी लेते हैं नेक्टर को और पी लिए तो ये सवेरे निकलेगा और सवेरे जो निकलेगा बेसिकली वो एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह होगा जो बी वैक्स बनता है और ये जो वैक्स है इससे हम बहुत सारी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे लिपस्टिक यस मतलब जो उल्टी करके निकाला वो बन गया हनी जो उल्टा करके निकाला वो बन गया वैक्स अब वैक्स से बहुत सारी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज में वैक्स का यूज किया जाता है तो इस तरीके से ये लास्ट के एक हफ्ते वर्कर यही काम करता है और फाइनली एक समय आने पर ये मर जाता है सवाल ये उठता है अगर किसी ने किसी ने भी हनी कोम को छेड़ा तो क्या होगा छेड़ना मतलब आप उस कॉम को डिस्टर्ब कर दो थोड़ा सा तो तुरंत क्वीन का कमांड आएगा पता करो डायरेक्शन और वो सन के कंपैरिजन में अपना डायरेक्शन तय करते हैं ये भी एक बड़ी बात है क्योंकि हनी के अंदर पूरा अंधेरा होता है तो वो एक जो एकदम ऊपर वाली हनी भी होगी ना सन के लाइट के डायरेक्शन को लेकर के बाकी सबको कमांड पास करते जाती है कभी भी आप ऑब्जर्व करना अगर एक चीटी की लाइन जा रही हो एक चीटी उल्टी आ रही है तो वो चीटी हर चीटी को टच करते हुए आती है वो सिर्फ क्या कर रही है एक सिग्नलिंग कर रही है फेरोमोन्स की मदद से एक दूसरे को टच करते हुए आगे बढ़ रहे हैं रास्ता दिखा रहे हैं इसीलिए चीटियां हमेशा एक लाइन में चलती हैं यह एक सबसे बड़ी बात उसी तरीके का सिग्नलिंग हनी बी में भी होता है और फिर उसी सिग्नलिंग की मदद से ढूंढते हैं किसने अटैक किया अब मजेदार बात यह है क्वीन या ड्रोन दोनों में से कोई भी अटैक नहीं करता अटैक करने का, का काम सिर्फ वर्कर का है वर्कर्स के पास स्टिंग होता है स्टिंग बैक पोर्शन में ठक करके स्टिंग से मारते हैं अपने को क्या तुम्हें पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात उस स्टिंग के अंदर जो वेनम है उसके अंदर एक स्पेशल केमिकल है जिसको मेलेटिन कहते हैं और यह मेलेटिन लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से एच यानी एड्स को भी क्योर करने का ताकत रखता है मतलब ये मेलेटिन जो केमिकल है वो एच वायरस को ही चेंज कर देता है बदल देता है या उसे रोक देता है मतलब हनी बी के स्टिंग में मेलेटिन की वजह से एच का क्योर शायद फ्यूचर में हमें मिल जाए अब वर्कर जब स्टिंग मारेगा वो खुद भी मर जाता है बेचारा अब सोचने वाली बात है भाई उसने अटैक किया तो वो क्यों मर गया होता ये है जब वर्कर अपने स्टिंग को अपने आपके बॉडी में हट करके मारेगा होता क्या है उसका स्टिंग आपके बॉडी में फंस जाता है स्किन के नीचे दब जाता है और जब वो अपने बॉडी को खींचता है तो उसका एबडोमन फट जाता है और उसी एबडोम के फटने की वजह से ये वर्कर्स मर जाते हैं समझ में आई बात मतलब ये अपने वो सोल्जर्स वो सिपाही हैं जो अपनी जान की परवाह नहीं करते दुश्मन पे अटैक करते हैं दैट इज हाउ वर्कर्स आर और एक बार ये सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं तो एक जो मेन कमांडिंग वर्कर होता है ना वो डिरेक्शन देता है जैसे खाना खाना जो है मतलब नेक्टर कितने डि डिस्टेंस पे है क्या है तो ये एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए स्पेशल टाइप का डांस करता है वैगल डांस होता है ठीक है वैगिंग डांस या वैगल डांस कह लो आप उसे तो वैगल डांस में क्या होता है बैक पोर्शन को करके हिलाते हैं और एक स्पेशल एंगल बनाते हुए मूव करते हैं लाइट के सनलाइट के डायरेक्शन में वो सिर्फ ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं वैगल डांस कि खाना जो है 150 फिफ्टी मीटर्स के दायरे के अंदर है आप कोई भी सोर्स ऑफ फूड चाहिए अगर किसी को खाना खाना है तो वो आकर के फटाक से यहाँ से नेक्टर कलेक्ट कर सकते हैं मतलब जो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को वो उस वेगल डांस की मदद से करते हैं ठीक है ये सारी चीज़ें आपको हनी बी से रिलेटेड आनी चाहिए उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी हनी बी से रिलेटेड और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर से वही कहानी है थोड़ा सा लाइक कर दो लाइक करके जाओ यार क्योंकि व्यूज़ थोड़े ज़्यादा रहेंगे लाइक कम दिखते हैं मतलब समझ में ही नहीं आता कि आपको पसंद आया या नहीं आया कुछ तो कीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको कहानी समझ में आया और इस तरीके से हनी भी अपने पूरे लाइफ को जीती है इन्जॉय करती है दिस इज सुनील सर से गुड बाय टू यू थैंक यू वेरी मच स्टे